दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 8 के पाठ पगला कहीं का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी पूर्व कक्षा में मैंने आपको बताया था कि निखिल और अखिल दो भाई थे जो जुड़वा थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनके पिताजी घर छोड़ करके चले गए थे। उनका लालन पालन उनकी बुआ ने किया था। अब मैं पाठ को आगे बढ़ा रही हूँ, आगे का भाग पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। पाठ का नाम है पगला कहीं का। न जाने कहाँ और किस हाल में होगा उनका अपना बेटा अविनाश। सोचते सोचते दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी बुआ और छोटी बुआ के बीच के थे बाबूजी, पिछले 17 सालों से लापता। बड़ी बुआ और छोटी बुआ के बीच में थे बाबूजी। बाबूजी कौन थे? वो अखिल और निखिल के पिताजी, जो पिछले 17 साल से लापता थे। उनके बाबा अखिल और निखिल के बाबा जी ने पूछा कि मेरा बेटा न जाने किस हाल में होगा, क्योंकि वो उनका बेटा अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात लापता हो गया था। पता नहीं, और कुछ अनहोनी सोचकर दादाजी की आंखें भर आए। दादाजी ने कुछ अनहोनी घटना सोची कि कुछ मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ होगा, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दादी के पूछने पर दादाजी ने अपना चश्मा निकाल कर अपने आंसू पोंछे और मन के भाव छिपा कर हंसते हुए कहा, तुम्हारा पगला निखिल। जब दादी ने पूछा दादाजी से कि क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, तब दादाजी ने अपने मन के भाव को, अपने मन के कष्ट को छिपाकर हंसते हुए, एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारा पगला निखिल आज फिर किसी बीमार व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंच गया है। कहता है जब तक उन्हें होश नहीं आएगा, उनका पता ठिकाना मालूम नहीं पड़ेगा, उन्हें घर तक नहीं पहुंचाएगा, घर नहीं आएगा। तब दादाजी ने कहा कि आज तुम्हारा पगला निखिल फिर किसी व्यक्ति को अस्पताल लेकर पहुंच गया है और कह रहा है कि जब उस बेहोश व्यक्ति को जब तक होश नहीं आएगा और उसका पता नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक मैं घर नहीं आऊंगा, और खुद चाहे फेल क्यों ना हो जाए। दूसरे कमरे से अखिल चिल्लाया। अखिल दूसरे कमरे में बैठा था, वो वहीं से जोर से चिल्लाया कि चाहे निखिल फेल ही क्यों ना हो जाए, तू ज्यादा पढ़ ले, फिर उसे समझा देना। दादी ने बात संभालने की कोशिश की। तब दादी ने कहा कि ठीक है, तुम ज्यादा पढ़ लो, तुम निखिल को समझा देना। पढ़ाई तो अपने अपने हिस्से की खुद ही करनी पड़ेगी दादी। अगर उसका दाखिला किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ तो सारा सेवा भाव निकल जाएगा। तब निखिल ने कहा कि दादी, पढ़ाई तो सबको अपने अपने हिस्से की करनी पड़ती है, तब उसका सारा निकल जाएगा। अखिल क्रोध से बोला कि तब तो उसका सारा सेवा भाव निकल जाएगा। तुरंत बड़ी बुआ बीच में आ गई, बोली, तू अपना दिमाग खराब मत कर, पढ़ाई में दिल लगा, वह भी अपना कोर्स पूरा कर लेगा, आखिर हमेशा अच्छे नंबर ही लाता है ना। आप सभी की शह से उसका दिमाग खराब हुआ है, आपको उसके भविष्य की चिंता हो न हो, मुझे तो है, अखिल बोला। अखिल ने कहा कि आप ही लोगों ने उसका दिमाग खराब किया, आप ही लोग उसे शह देते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को उसके भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे है। बड़ी बुआ बात बदलते हुए बोली, बाबूजी, आप और अम्मा निखिल का नाश्ता लेकर चले जाइए, मैं कॉलेज जाते समय आपको अस्पताल तक छोड़ दूंगी। तो बड़ी बुआ ने कहा कि बाबूजी, आप और अम्मा निखिल का नाश्ता लेकर अस्पताल चले जाइए, मैं कॉलेज जाते समय आपको अस्पताल तक छोड़ दूंगी। और चीज चढ़ाइए उस पगले को, अखिल फिर गुस्से में चिल्लाया। अखिल ने फिर निखिल के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया कि और उसको सिर चढ़ाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा और उसे खींच कर वापस लाऊंगा, उसे अब तो संजीदा होना ही पड़ेगा, उसे काबू में लाना आपके बस का नहीं है। अखिल ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और उसे खींच करके, उसे जबरदस्ती लेकर के आऊंगा, क्योंकि उसे अब अपने संजीदा होना ही पड़ेगा, उसे अब अपने भविष्य के बारे में सोचना ही पड़ेगा, उसे काबू में लाना है, ये सब आपके बस का नहीं है। दादी ने निखिल के लिए नाश्ता झटपट तैयार किया और दादी दादा बड़ी बुआ के साथ चल पड़े, मुंह फुलाए अखिल भी पीछे पीछे साथ था।
अखिल भी इन लोगों के साथ गया। दादा दादी और अखिल को अस्पताल छोड़ने आई बड़ी बुआ ने धीरे से दादी से कहा, मैं भी भीतर तक चलती हूँ, कहीं दोनों भाई उलझ न जाएं। तब बड़ी बुआ ने कहा कि हम भी अस्पताल चल रहे हैं कि कहीं दोनों भाई अखिल और निखिल आपस में उलझ न जाएं, यहाँ झगड़ा न कर बैठे। निखिल उन चारों को अस्पताल में पहुँचा देखकर हैरान रह गया। निखिल ने जब देखा कि दादी दादा बुआ और अखिल ये चारों लोग अस्पताल में आए हैं तो बहुत हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे आप सभी यहाँ पहुँच गए, और अखिल तू भी अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर कहीं पागल तो नहीं हो गया है तू? और अखिल ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर के यहाँ आए, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल मैं नहीं तू है, अखिल गुस्से से बोला। हम सब अपने पगले बच्चे का पागलपन देखने आए हैं, दादाजी हंसकर बोले। तब दादाजी ने कहा कि हम लोग हमेशा इसको कहते हैं कि पगला कहीं का, आज मैं उस बच्चे का पागलपन देखने आया हूँ कि यहाँ अस्पताल में क्या कर रहा है। इसी पागलपन ने एक व्यक्ति की जान बचाई है, पीछे से डॉक्टर की आवाज़ आई। तभी एक डॉक्टर ने कहा कि आपके इसी बच्चे के पागलपन से आज एक व्यक्ति की जान बच गई है, ईश्वर करे ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून, ऐसा सेवा भाव आज के हर किशोर में हो। डॉक्टर ने निखिल की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून, ऐसा सेवा भाव आज के हर किशोर में हो तो कितना अच्छा है, इस प्रकार से तो लोगों की जान बच जाएगी। आज अगर कुछ और देर हो जाती तो उस व्यक्ति को होश में लाना बहुत मुश्किल हो जाता, पता नहीं कब कोई पुलिस में खबर करता और पुलिस की कार्यवाही पूरी होते होते जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता तब तक शायद प्राण छूटने की तैयारी कर रहे होते। निखिल तुम्हारा मरीज होश में आ गया है, डॉक्टर ने कहा। दादा दादी का हाथ पकड़े आगे आगे निखिल पीछे स्तब्ध और अवाक अखिल और बड़ी बुआ उस कक्ष में पहुंचे जहां वह मरीज लेटा था। जब डॉक्टर ने कहा कि मरीज को होश आ गया है तो दादी दादा निखिल और स्तब्ध आश्चर्यचकित अखिल और बड़ी बुआ सब लोग उस कमरे में पहुंचे जहां पे मरीज को लिटाया गया था। अब आप कैसे हैं, निखिल ने पूछा, पलक झपकी और आंखें थोड़ी खुली। तब निखिल ने उस व्यक्ति से पूछा जिसको कि उसने अस्पताल में भर्ती कराया था कि अब आप कैसे हैं। पलक झपकी और आंखें थोड़ी खुली उस व्यक्ति की। कैसी तबीयत है बेटा, दादी ने उस व्यक्ति के माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा। तब दादी ने उस व्यक्ति के माथे पर हाथ फेरा और पूछा कि बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। यह स्नेहिल स्पर्श, स्नेहिल मतलब प्यार भरा, स्नेह भरा स्पर्श, सालों से खोया अपनापन अचानक कहाँ से वापस आ गया, अचानक ही मानो झोली भर गई और आंसुओं की बाढ़ आ गई। अचानक ही ऐसा लगा कि माँ को अपना पुत्र और पुत्र को अपनी माँ मिल गई है, और अचानक ही मानो झोली भर गई और आंसुओं की बाढ़ आ गई। दादी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए, बड़े हुए बालों और दाढ़ी के बीच में भी उन्हें अपने 17 साल पहले खोए बेटे की झलक मिल गई थी। देखिए देखिए अविनाश, वे चिल्लाए। और दादी ने जब व्यक्ति के माथे पर अपना स्नेहिल स्पर्श, अपने ममता भरे हाथों को जब रखा तो उन्हें अपने खोए हुए पुत्र का अनुभव हुआ, और वो बहुत ही आश्चर्य से बोली कि अरे अरे देखिए ये मेरा अविनाश। उन्हें अपने खोए हुए बेटे की झलक मिल गई थी जो कि उनसे 17 साल पहले बिछड़ गया था, 17 साल पहले खो गया था। दादाजी अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पाए, आंसुओं से धुंधली हुई आंखों के पीछे खुशी से दमकता चेहरा एक अजीब सा सुखद दृश्य था। भैया कहकर बड़ी बुआ तो रो ही पड़ी, सभी लोग वहाँ पर बहुत ही भाव भरा दृश्य हो गया। उनका खोया हुआ 17 साल पूर्व से खोया हुआ उनका पुत्र मिल गया, और बड़ी बुआ भी अपने भाई को देख करके रो पड़ी। दादी दादा ने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया। निखिल और अखिल भौचक्के होकर यह अभूतपूर्व दृश्य देख रहे थे। तभी दादी हंसी और निखिल की ओर इशारा करते हुए बोली, यही है वह पगला जिसके ऊपर सेवा करने का पागलपन सवार रहता है, आज इसी पगले ने हमें हमारा बेटा वापस दिला दिया। आ इधर आना पगला कहीं जा, दादी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। दादी तो बहुत ही खुश हो गई, उनको उनका बेटा मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि आज इसी निखिल के पागलपन का ये असर है
कि मुझे मेरा बेटा मिल गया और इसने हमें हमारा खोया हुआ बेटा वापस दिला दिया। आ इधर आ ना पगला, कहेगा। दादी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, बहुत ही खुश हो गई थी। निखिल धीरे से आगे बढ़ा, तभी पीछे से बड़ी बुआ बोली, तू पीछे क्यों खड़ा है अखिल, जाओ दोनों भाई अपने बाबूजी के गले लग जाओ, आ ना पगला कहीं का, दादी स्नेहासिक्त वाणी में बोल उठी। तब दादी ने बहुत प्यार से कहा, आ ना पगला कहीं का। ये पूरे पाठ में कई बार पगला कहीं का शब्द का प्रयोग हुआ है, यह निखिल के लिए प्रयोग हुआ था। निखिल के इसी पागलपन के कारण उसे उसका पिता मिल गया और दादी दादा को खोया हुआ पुत्र मिल गया। बुआ भी बहुत खुश हो गई, उन्हें उनका भाई मिल गया। इस प्रकार से बच्चों यह पाठ समाप्त हो गया। और कहानी कैसी लगी, बहुत अच्छी ना, कि सेवा भाव के कारण, निखिल के स्वभाव के सेवा भाव के कारण उसे उसका पिता मिल गया। और अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर हमने दिया है, अखिल और निखिल के पिता घर छोड़कर क्यों चले गए थे। दूसरा प्रश्न है, निखिल ने अचेत व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया। तीसरा प्रश्न, अखिल का स्वभाव कैसा था, बड़ी बुआ उससे क्यों परेशान हो जाती थी। चौथा प्रश्न है, ईश्वर करे ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून, ऐसा सेवा भाव आज के हर किशोर में हो, ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा। डॉक्टर ने कहा था ना कि ऐसा, ईश्वर करे कि ऐसा पागलपन सभी के पास हो। इसका आपको उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद मैंने कुछ शब्द दिए हैं, उसका आपको वाक्य बनाना है। पहला है शब्द विलक्षण, दूसरा शब्द है उपचार, तीसरा शब्द है संकल्प, चौथा शब्द संतुलन और पांचवा शब्द जुनून। तीसरा प्रश्न हमने आपको दिया है आशय स्पष्ट करने के लिए। ये जो पंक्तियां हमने दी हैं, आपको इनका अर्थ लिखना है। हम सब अपने पगले बच्चे का पागलपन देखने आए हैं। दूसरा है, अचानक ही मानो झोली भर गई और आंसुओं की बाढ़ आ गई। ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, ये पाठ से संबंधित प्रश्न है और इसका उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद बच्चों।